नमस्कार मुड़ जी, तुम्हारा बीजेपी टीम क्या हो गया? तुम्हारा पीजी टीम की क्या पागल हो गया? क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? क्यों मोहम्मद नबी का गलत बोल रहे? क्यों तुम उधर से मुस्लिम का बहुत लपड़ा कर रहे? हम हिंदू है, मैं इधर ये यूएई में रहता हूँ, शारजा में। हम इधर से 19 ईयर्स है, हम लोग को मुस्लिम का साथ पीता हूँ, साथ खाता हूँ, साथ सोता हूँ। इधर से पूरा इस्लाम का सैलरी है, इस्लाम का पैसा बना रहा हूँ इधर ये। मेरा बच्चा वो स्कूल पढ़ रहा, पूरा इस्लाम का पैसा है। तुम मोहम्मद नबी क्या गलत बोलने के पहला तुम सोचा हम लोग को, हमारा लाइफ का तुम लोग सोचा? इधर पूरा हिंदू बाहर बाहर जाओ ऐसा बोल के तुम किधर जाएगा? हम 19 ईयर्स इधर से, हमारा काम सब कुछ इधर ही है, हमारा बिजनेस सब कुछ इधर ही है। इंडिया का आएगा क्या करेगा? मैं तुम जॉब दे देगा, हमारा फैमिली सब पैसा तुम दे देगा, खाना तुम दे देगा। भाई आप लोग इधर ही भाई के साथ इधर रहते हो यार, पूरा साथ खाते साथ पीते साथ सोते। तुम उधर इधर से चुपचाप बैठे करो यार, तुम गलत गलत नहीं बोलो यार मुस्लिम का और मोहम्मद नबी का। तुम उधर से मस्जिद अटैक है, तुम मंत्री बना रहे, इधर से ये में इस्लाम कंट्री में मंत्री बना रहे। देखो उसको, तुम्हारा फर्क इधर फर्क है। कितना कितना कतार ओमन सऊदी कितना मुस्लिम कंट्री में कितना हिंदू लोग का काम कर रहे हैं, उसको सेफ्टी किया है। तुम चुपचाप कर बैठो यार, तुम चुपचाप करके बैठो यार, प्लीज प्लीज यार। मस्जिद अटैक है, तुम मंत्री बना रहे ना, प्लीज यार मंत्री नहीं बना दो, स्कूल बना दो, स्कूल बना दो, पूरा तुम्हारा बीजेपी टीम का पूरा स्कूल में भेजो प्लीज यार, चुपचाप के बैठो यार। बार बार तुम ऐसा बोलेगा इधर से मिडिल ईस्ट में पूरा हिंदू में हम लोग को मुस्लिम से चेंज हो जाएगा। हमारे हैदराबाद ही का एक वाकया हुआ, दारुल इफ्ता में वाकया आया था अज़ीज़ाने गिरामी। वहां पर एक लड़का एक लड़की मुस्लिम घराने की लड़की इसी तरीके से मोहब्बत का शिकार होकर के गैर मुस्लिम लड़के से निकाह की। खानदान वालों ने समझाया, जाकर के स्कॉलर्स ने समझाया, उलमा ने समझाया, वो मानने को नहीं थी, कोर्ट मैरिज कर दी गई। चंद दिन के बाद उसके ससुराल में उसे सताया गया, इतना सताया गया, इतना हरास किया गया, आखिरकार वो बच्ची के लिए दोनों रास्ते बंद हो गए कि वो गैर मुस्लिम घराना है वहां पर भी रास्ता बंद है, पलट कर आना चाहती है तो अपने घर अपने माँ बाप सबसे लड़ाई कर ली, वहां पर भी नहीं आ सकती। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद बर्दाश्त करते करते मार खाती, धप्पे खाती, तरह तरह का जुल्म सहती, आखिरकार वो मर गई या फिर खुदकशी कर ली। अब खुदकशी करने के बाद हुआ क्या? अब उसका जनाजा, उसकी यानी मय्यित रखी हुई है। इधर से माँ बाप तड़प करके आ गए कि मेरी बच्ची मर गई है, इधर से वो लोग आ गए कि बच्ची का वहां पर मय्यित रखी हुई है। दोनों ये चाहते हैं, वो लोग जो गैर मुस्लिम फैमिली है, सुनिए, वो ये चाहती हैं कि ये हमारे घराने में आ गई थी, हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक इसकी शादी हो गई थी, हमें इसे जलाने दो, इसे हमारे हिंदू रस्म रिवाज की तरह ले जा दे दो। मुस्लिम माँ बाप की ख्वाहिश है कि कम से कम आखिरी वक्त तो है, मेरी बच्ची को ले जाऊं, कफनाऊं, नहलाऊं और उसको गुसल देकर के मस्जिद में लेकर करके नमाज तो पढ़ाऊं, कम से कम ये तो उसकी बख्शिश का जरिया बन जाए। ये दोनों की कश्मकश के अंदर ये इधर दौड़ रहे हैं अपने असर रसूख जताने के लिए, वो उधर दौड़ रहे हैं। दारुल इफ्ता को मामला आता है, मुफ्ती साहब सवाल करते हैं, ठीक है आपकी बच्ची जरूर है, बताओ उसका आखिरी काम क्या था? सबके सामने अलल एलान उसने क्या किया था? उन्होंने कहा कि अलल एलान सबके सामने वो फेरे लेकर के उसके साथ निकाह कर ली थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद मुसलमान होने की कोई दलील अलल एलान है? कहा कि नहीं है। फरमाया तुम्हें कोई इजाजत नहीं कि उसे मस्जिद में लाए, उसे कफनाए और दफनाए, छोड़ दो, वो गैर मुस्लिम हो गई थी, उसे जलाने दो, उन्हीं के कब्रिस्तान में दफन कर लेने दो। आप एहसास कर सकते हैं इस बात का? जिस लड़की के कान में आपने हैया अल सलाह हैया अल फलाह, आपने अपने मस्जिद के इमाम साहब, मौज़िन साहब या खानदान के मुत्तकी परहेज़गार से आपने कहलवाया था, आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अज़ान के सुरेली आवाज उनके कान में पहुंचाई थी, आप अपने घर के अंदर अपनी बच्ची को मुसलमान रहने के ऊपर राकिब नहीं किए, इस्लाम की मोहब्बत आपने नहीं डाली, इसका क्या अंजाम हो रहा है? मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ईमान को बचाना है।
मोहब्बतों का झांसा दे करके मुस्लिम लड़की, लव जिहाद का उल्टा मतलब है, मुसलमान नहीं कर रहे हैं ये, गैर मुस्लिम कर रहे हैं, पूरी वसूख के साथ आपको कहता हूं। इनके पास, क्योंकि इनके पास मंसूबा है, इनके पास प्लानिंग है, पैसा खर्च किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, नौजवानों की टीम इस पे काम करती है। अब तो ऐलान कर रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम बच्ची से निकाह करे उसे 2 लाख रुपए का इनाम होगा, अदालती कार्रवाई में उसकी मदद की जाएगी।